हे गाइस, सो दिस इज़ अवर लास्ट वीडियो लेक्चर ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमने सब पढ़ लिया इस चैप्टर में। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, टेलर के 4 प्रिंसिपल और उनकी 4 टेक्निक्स पढ़ ली। जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हो जाकर देख लो, ये लास्ट है। अब मैं फीचर्स पढ़ा रहा हूँ और इम्पोर्टेंस पढ़ाऊंगा इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है ना। पहले मैं आपको समझाना चाहता था एक्चुअल में, तभी मैं ये लास्ट में टॉपिक लेके आया फीचर्स वाला। तो बहुत ईजी है, इंटरेस्टिंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर, पहला फीचर क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का? बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। ठीक है सर, पहला जो फीचर है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ये कितनी बार पॉइंट आ गया यार, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, एप्लीकेबल टू ऑल। ठीक है ना, तो चाहे बिजनेस हो बच्चों, चाहे नॉन बिजनेस हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, हर जगह प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या होती है सर, ज़रूरत होती है। जैसे डिवीज़न ऑफ वर्क, सर डिवीज़न ऑफ वर्क कैसे, जैसे एक फैमिली है, कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर इस प्रिंसिपल की ज़रूरत होती है। हाँ, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती, लेकिन अगर मैं बड़ों की बात करूँ तो हर जगह इसकी ज़रूरत होती है, बड़ी फैमिलीज, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। तो फर्स्ट फीचर है यूनिवर्सल एप्लीकेबल, ख़त्म। दूसरा जो फीचर है वो है जनरल गाइडलाइंस। क्या होता है गाइडलाइंस? गाइडलाइंस का मतलब मैंने आपको बताया था, गाइड यानी कहाँ जाना है, किस तरीके से काम करना है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉर्ट आउट होगी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइडलाइंस होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन का मतलब मैंने आपको बताया था रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे मान लो कोई मैनेजर पकड़ा गया कुछ फ्रॉड करते हुए, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करते हुए, तो उसके खिलाफ़ क्या लिया जाएगा सर? एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन किसके हिसाब से लिया जाएगा सर? रूल्स के हिसाब से। तो डिसिप्लिन नाम का जो प्रिंसिपल है वो हमको बताता है, रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग को सारा काम करवाता है, तो गाइड करता है हम लोग को कि इस पर्टिकुलर अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पर भी, तो हमको कैसे उस प्रॉब्लम से को ओवरकम करना है, प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना है। ठीक है, आपका जो तीसरा फीचर है वो है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सर, ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है? प्रैक्टिस का मतलब ये रहता है कि भैया, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था जितने भी हम लोग प्रिंसिपल्स बनाते हैं वो एक्सपेरिमेंट कर करके बनाते हैं, एक्सपीरियंस हो उस पर हम लोग एक्सपीरियंस कर करके उसको बनाते हैं, एनालाइज करके बनाते हैं, रिसर्च करके बनाते हैं। तो लिखा हुआ एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, एनालाइजिस। जैसे DOW, डिवीज़न ऑफ वर्क, डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, डिवीज़न ऑफ वर्क कई बार आएगा एग्जाम्पल में। डिसेंट्रलाइजेशन सर कैसे? देखो, सेंट्रलाइजेशन बताया था, एक डिसेंट्रलाइजेशन बताया था। जब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल को काम देता है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन करने से क्या होता है, और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो पता कैसे पड़ा सर? उसको एक्सपेरिमेंट करके, उसके ऊपर रिसर्च करके, उसको एनालाइज करके, प्रैक्टिस करके। ठीक है, उसके बाद है सर फोर्थ फीचर फ्लेक्सिबल। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं होते, वो मॉडिफाइड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं सर? मॉडिफाइड, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इतने फ्लेक्सिबल भी नहीं होने चाहिए और ना होते हैं, वो मॉडिफाइड हो सकते हैं। और कहीं पर भी उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता ब्लाइंडली, अंधों की तरह कहीं पर भी अप्लाई नहीं किया जा सकता। सर एग्जाम्पल से स्केलर चेन का बताता हूँ, याद है आपको स्केलर चेन? एक टॉप लेवल मिडिल लेवल से ही बात कर सकता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल से ही बात कर सकता है, बताया था मैंने। लेकिन क्या ऐसे ही हमेशा करना होता है क्या? नहीं सर, फिर आपने बताया था कि चेन तोड़ भी सकते हैं। टॉप लेवल डायरेक्टली मिडिल लेवल से कम्युनिकेट हो सकता है, प्रिंसिपल डायरेक्टली टीचर से कम्युनिकेट हो सकते हैं। तो इस तरह के प्रिंसिपल्स भी होते हैं जो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल यानी जिनको मॉडिफाई किया जा सकता है, जिनको ब्लाइंडली अंधों की तरह अप्लाई नहीं किया सकता। तो प्रिंसिपल्स कैन बी फ्लेक्सिबल, नॉट रिजिड। फिफ्थ, मेनली बिहेवियरल। सर, ये बिहेवियरल का मतलब क्या होता है? देखो, जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ना, वो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो भी होते हैं वो जैसे ही फॉर्म होते हैं तो उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो बच्चों, बेटर अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल है ऑर्डर। ऑर्डर क्या बोलता था कि हर चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए वहीं की वहीं होनी चाहिए। जैसे टूल्स है, फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं तो उनको टूल्स की ज़रूरत होती है सर। अगर टूल्स उनको टाइम पर नहीं मिले, काम कर पाएंगे नहीं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो भी फॉर्म किए जाते हैं वो इसलिए फॉर्म किए जाते हैं ताकि मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, समझ रहे हो? जैसे प्रिंसिपल ऑफ क्या लिखोगे सर? ऑर्डर। तो क्योंकि प्रिंसिपल्स का डायरेक्टली इफेक्ट इंसानों के ऊपर पड़ता है बच्चों, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो भी बनाए जाते हैं उससे ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट काफ़ी काफ़ी कुछ हेल्प करता है, किसको लिंकअप करने में सर? मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑर्डर, ठीक है। तो सिक्स्थ है सर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं सर, वो हेल्प करते हैं सर किस चीज़ में?
कि भाई प्रिडिक्ट करते हैं, ये प्रिडिक्ट कि अगर हम लोग ये काम करेंगे तो उसका आउटकम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे एग्जांपल देखो, यूनिटी ऑफ कमांड, मैंने आपको बताया था एक ही बॉस होना चाहिए सर, किसके ऊपर, एक सबॉर्डिनेट के ऊपर, ये बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। तो मेरी बात सुनो, यूनिटी ऑफ कमांड इज़ अ कॉज, और कन्फ्यूज़न नहीं हुआ ये इफेक्ट। कॉज का मतलब होता है कारण, इफेक्ट का मतलब होता है उसका असर। तो मैंने यूनिटी ऑफ कमांड किया तब जाकर कंपनी में अच्छे तरीके से काम हुआ। तो यूनिटी ऑफ ऑफ कमांड इज़ कॉज, अच्छे तरीके से काम हुआ इज़ इफेक्ट, ठीक है। तो जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो पहले से प्रिडिक्ट हो जाता है कि अगर हम लोग ये प्रिंसिपल इस सिचुएशन में अप्लाई करेंगे तो उसका आउटकम क्या होगा, है ना। फिर आता है 7 कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब क्या होता है सर, हैपनिंग ऑफ इवेंट, मतलब मान लो उसको अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा तो ज़्यादा सैलरी दी जाएगी, नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, मतलब कम पैसे दिए जाएंगे, और गलत काम करेगा तो पनिशमेंट दी जाएगी। तो कंटीजेंट यानी अगर सामने वाला परफॉर्मेंस देता है, यानी तब जाकर वो प्रिंसिपल को क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अप्लाई तभी किया जाएगा जब पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज होती है, इसको बोलते हैं कंटीजेंट। जैसे आरओई, आरओई का मतलब रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, खत्म, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है सर, इंपॉर्टेंस है बेटा पहला, प्रोवाइड मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, यानी इनसाइट्स का मतलब होता है भाई मैनेजर्स को एक एक चीज़ के बारे में नॉलेज देना, उनकी एबिलिटी बढ़ाना, अंडरस्टैंडिंग करवाना। कौन करता है सर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। मैनेजर्स को मोटिवेशन करना, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाना, सर ये कौन करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, पहला फीचर है, सिंपल सी बात है। दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जानते हो 11th क्लास में पढ़ा था ऑप्टिमम, यानी आप अपने रिसोर्सेज का पूरा ढंग से इस्तेमाल कर रहे हो बच्चों, पूरा ढंग से, इज़ दैट क्लियर। और उसका इस्तेमाल करके ही अब आगे बढ़ रहे हो। तो सेकंड पॉइंट क्या है सर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल है डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या था, हर डिपार्टमेंट का एक हेड होना चाहिए, हर डिपार्टमेंट का एक हेड होना चाहिए, और वो जो एक हर डिपार्टमेंट का एक हेड है वो अपने जो भी रिसोर्सेज है अपने डिपार्टमेंट के ऊपर, जो भी उसकी लेबर है, जो भी उसने पैसा लगा के रखा है, उसका ढंग से यूज़ करेगा, क्योंकि उसको ध्यान ही उस पर देना। डिवीजन ऑफ वर्क, जिसका जो काम है उसको वो काम दो, ठीक है। इससे क्या होगा सर, इससे वेस्टेज कम होगा, आउटपुट बढ़ेगा, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। और सर सेकंड पॉइंट क्या है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये रहा। कब होगा सर, जैसे एग्जांपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल अपने ऊपर ध्यान ना दे, मैंने बताया था सबके ऊपर ध्यान दे जनरल, तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी मैनेजमेंट क्या होगा, इफेक्टिव होगा, टाइम पर काम होंगे, अच्छी तरीके से काम होंगे। तो दो हो गए। तीसरा इंपॉर्टेंस है साइंटिफिक डिसीजन, बेटा जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो साइंस के हिसाब से होते हैं, मैंने आपको बताया था। जैसे एग्जांपल साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दैट्स इट, कितना सिंपल है। चौथा, जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं सर वो डायनामिक होते हैं, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल मार्केट चेंज होता जाता है, बाहर का माहौल चेंज होता जाता है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं कंपनी को, मैनेजर्स को, ताकि वो अपने आप को एडप्ट कर पाएँ उस हिसाब से। जैसे मान लो नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करेंगे कंपनी को कि वो नई टेक्नोलॉजी को एडप्ट करें, ठीक है। फिफ्थ, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के लिए भी काम करना। जैसे कि एक प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, यानी सब बराबर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे काला हो गोरा, अमीर गरीब हो, भाई सबके साथ एक एक जैसा ट्रीटमेंट करना है ना, ये होता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी देते हैं, एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, BBA MBA सब मैनेजमेंट की तो कोर्सेज हैं, आपको हेल्प करते हैं रिसर्च करने में। तो जितने भी प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे, एजुकेशन, रिसर्च, इसी से ही आप सारा क्या कर पाओगे, काम कर पाओगे। दैट्स इट, बात समझ में आया अच्छी तरीके से आपको, आई होप क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को, ठीक है बच्चों। तो ये थे फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल, ज़्यादा कुछ खास टॉपिक नहीं थे, मैंने लास्ट में इसलिए पढ़ा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही सारा पढ़ा दिया था। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, ठीक है, चलो बाय।